चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये था लॉर्ड बेलिजली। अगला है, अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतो किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार थे क्षेमेंद्र। अगला है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल काडियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो प्रथम थे श्री गुप्त और अंतिम थे विष्णुगुप्त। अगला है, मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्य भूति वंश का। अगला है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन। अगला है, पेवरसेन ने चार अश्वमेध यज्ञ किए, वह किस राजवंश का था? वह काटक वंश का। अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अगला है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, ये था कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अगला है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। अगला है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा है थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका वेहद संहिता और वेहद जातक किसकी रचना है? वराह मिहिर की। अगला, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? उज्जैन। अगला, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। अगला है, बौद्ध ग्रंथ में मेनेंडर को किस नाग नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। अगला, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई? गंधार शैली को। अगला है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने। अगला, अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। अगला, पृथ्वी राज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को। कन्नौज का शासक था जयचंद। 1206 से ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो याद रखिए, गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? काला नौर में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूर जहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। अगला, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। अगला है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल। अगला, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? तो ये था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलवरनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में।
अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव पृथम को। अगला, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। अगला, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। अगला, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? मगध का। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया? गुड़ गुड़ पुरुष। अगला, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? वो जैन का। अगला, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। अगला है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? कन्नौज के जयचंद को। अगला, कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। अगला है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। अगला है, शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? वज्जी। अगला, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्तक संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। अगला है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। अगला है, कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अगला, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुम्मा। अगला, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। अगला, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग। अगला, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के। अगला है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कार्नवालिस। अगला है, 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। अगला है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। अगला है, मोहन जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। अगला है क्वेश्चन हमारा, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्दबाहु ने। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वैसल और कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अगला है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप। अगला है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन भरनी ने। अगला है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में। अगला है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका
बिक्का सिंह सिंह मित्र की रचना कौन थी? कालिदास। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो यह गुप्त कालीन मंदिर कला का। अगला है, भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनता व्याख्या है भगवत गीता। अगला है, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला है, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। अगला है, वैटिक सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस और किस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए।